हेलो पेरेंट्स एंड हेलो बच्चे। जैसे अभी हम लोग ने पहला इमोशंस के ऊपर सब इमोशंस का हम लोग ने देखा, तो अभी हम लोग उसकी एक्टिविटी करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक मिरर लेना है, मतलब आईना लेना है, और आईने के सामने आपको जो आपका आईना आपके चेहरे के सामने रखना है, और आपको एक एक इमोशन जो जो आपने अभी पढ़ा है वीडियो में, वो इमोशन आपको उसमें एक्ट करना है, मतलब उसका आपको वो इमोशंस आपके चेहरे पे लाना है। जैसे अगर मैंने कहा कि गुस्सा, तो आपको ऐसे दिखाना है। अगर मैंने कहा सैड, तो सैड वाला चेहरा दिखाना है। फिर अगर मैंने कहा एक्साइटेड, तो एक्साइटेड ये ऐसा दिखाना है। फिर जब मैं फिर अगर मैंने कहा कि हैप्पी, तो और लास्ट मैंने कहा कि क्राई, तो ये आपको दिखाना है। तो ये सब इमोशन आपको आईने के सामने रखकर, जैसे जैसे आपको आपकी मम्मी आपको एक इमोशन बताएगी, अगर आपकी मम्मी ने बोला कि क्राई का इमोशन है, तो आपको रोना है। अगर आपकी मम्मी ने बोला कि हैप्पी का इमोशन, तो आपको हैप्पी होना है। अगर आपकी मम्मी ने बोला गुस्से का इमोशन दिखाओ, तो गुस्सा होना है। अगर आपकी मम्मी ने बोला कि एक्साइटमेंट का, तो एक्साइटेड होना है। अगर आपकी मम्मी ने बोला कि सैड का इमोशन, तो सैड होना है। तो ये अलग अलग इमोशंस आपको उसकी एक्टिंग उसकी नकल करनी है। तो अभी मैं आपको उसके बारे में 3 प्रश्न पूछूंगी। पहला प्रश्न है कि हम लोग ने कितने इमोशंस आपको उसकी कितने इमोशंस की आपको नकल करनी है, 1, 4 या 5? तो सही जवाब है 5। दूसरा प्रश्न है कि आपको किसके सामने नकल करनी है, मतलब क्या हाथ में लेकर आपको नकल करनी है, मोबाइल, बुक या आईना। आपको क्या हाथ में लेकर नकल करनी है, मोबाइल, बुक या आईना। तो उसका सही जवाब है आईना। और आखिरी क्वेश्चन, जब आपकी मम्मी आपको मारती है, तो आप कौन सा इमोशन दिखाते हो? जब आपकी मम्मी आपको मारती है, तब आप कौन सा इमोशन दिखाते हो, हैप्पी, एक्साइटमेंट या रोना? हैप्पी, एक्साइटमेंट या रोना। तो उसका सही जवाब है रोना। थैंक यू।